हरे कृष्ण मित्रों, लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से जीतने का गणित और फार्मूला तलाशने की कोशिश कर रही है और तलाश रही है, लेकिन क्या कहता है ज्योतिष, क्या कहता है मैदनीय ज्योतिष, किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसका परिणाम लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ने वाला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश के अंदर दोबारा सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है, उससे यही लगता है कि आने वाला समय राहुल गांधी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अपना विस्तार करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी का समर्थन, जो मैं यह कहूंगा सपोर्ट, उसको मिला है, ये अरविंद केजरीवाल के संजीवनी का कार्य करेगा। दोस्तों, यदि हम मैदनीय ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी देखें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली अभी बहुत ही, मैं कहूंगा, स्ट्रोंग बनती है। इसलिए आने वाला लोकसभा का जो परिणाम होगा उसमें निश्चित रूप से प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे और अन्य पार्टियां अभी टक्कर देने की पोजीशन में नहीं है। यदि हम बात करें दिल्ली प्रदेश में जो जिस प्रकार का गठबंधन हुआ है उसमें 7 सीटें हैं और 7ों की 7 जो सीटें हैं 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है जो ज्योतिषीय गणित है भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये बढ़त ले सकती है। यह मैं दूसरे शब्दों में कहूं, जिस प्रकार के ग्रह गोचर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के हैं उससे पता चलता है कि 2 सीटों पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाले हैं और जो हार जीत का जो मार्जिन रहेगा वो बहुत मामूली सा रहने वाला है, लेकिन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीतने वाली है। कौन सी सीट पर भारतीय जनता पार्टी एब्सोल्यूट, मैं कहूंगा कि क्लीन स्वीप करेगी, कौन सी सीट पर आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस पार्टी टक्कर देगी, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। जो भी दिल्ली की जो 7 लोकसभा है उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमने इस सीरीज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका और जितने भी स्टेट हैं, किन प्रदेशों में कौन सी पार्टी को क्या सीटें मिल सकती हैं, उसकी ज्योतिष भविष्यवाणी की सीरीज शुरू की है। यदि आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें कि आप सबसे पहले कौन से प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं और आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी या फिर अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिलने वाली है। कमेंट बॉक्स में आप की मैं कहूंगा कि भविष्यवाणी क्या है वो लिखें। दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या पर्सनल लेवल पर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल्स हमें शेयर करें और जो भी प्रश्न है उसको भी डायरेक्ट लिखें। हमारी टीम आपको आपकी जन्मकुंडली का विश्लेषण करके आपको वहीं पर रिप्लाई करेगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। आज के लिए केवल इतना ही। एक नए ज्योतिष विश्लेषण के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा और जो नेक्स्ट हमारा विश्लेषण होगा वो उत्तर प्रदेश के लिए होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, अन्य पार्टियों को कितनी सीट मिलेगी और उत्तर प्रदेश में इस बार किसको प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाहती है। तो जल्द मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए हरे कृष्णा।